नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का अपना YouTube चैनल रवि टेक्नोलॉजी में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme मोबाइल जॉब वैकेंसी 2022 के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहां पर Realme मोबाइल की तरफ से आपको Realme कंपनी में जॉब वैकेंसी निकल के आ चुकी है। यहाँ पर वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया में ये दोस्तों करवाई जाएगी और ये जो है लगभग 11,000 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। टोटल 11,000 पोस्ट पर यहाँ पर बहाली होने वाली है। आप अपने ही जिला में रह के दोस्तों Realme कंपनी में आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी Realme कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं Realme वैकेंसी के बारे में और दोस्तों इसमें और भी डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं कि इसका जो है आवेदन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कब से आवेदन होगा और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और दोस्तों सैलरी क्या दिया जाएगा। ये तमाम जानकारी क्लियर करके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का पूरा फुल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो वेबसाइट है इस पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, जो पहला वाला लिंक है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल आपको दर्शाया गया है, क्या क्या डिटेल है, सारा चीज़ आपको बारीकी से मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो आवेदन का जो प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर 18 से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहले हेडिंग्स में पढ़ते हैं, देख सकते हैं बताया गया कि Realme मोबाइल जॉब वैकेंसी 2022, यानी ये 2022 का लेटेस्ट या जॉब वैकेंसी है Realme का। फिर उसके बाद देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर 11,000 पोस्ट। तो सबसे पहले इसमें बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसमें पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर टोटल आपको 11,000 पोस्ट है, 11,000 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी करवाई जा रही है Realme में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको Realme का जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर आपको रहना होगा। जितने भी जिले हैं सभी जिले में ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी करवाई जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल हम करेंगे तो इसमें और कुछ भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो इसको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, सारे डिटेल इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं Realme रिक्वायरमेंट 2022 डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो Realme मोबाइल के अंतर्गत ये जो वैकेंसी करवाई जा रही है और टोटल जो है ऑर्गेनाइजेशन ये Realme ही कर रहा है। फिर उसके बाद अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो इसमें जो अप्लाई मोड फॉर्म का जो अप्लाई किया जाएगा बिल्कुल ही ऑनलाइन यहाँ पे मोड है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई भी करके दिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद देख सकते हैं नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे सेल्स एसोसिएट का है यहाँ पे, फिर उसके बाद है मोबाइल एसोसरीज काउंटर पर्सन है, यानी जो काउंटर पर रहते हैं एसोसरीज में छोटा मोटा जो पार्ट्स होते हैं उनको देने के लिए। फिर थर्ड में मोबाइल पार्ट्स स्पेशलिस्ट है। फिर उसके बाद कस्टमर सर्विस एसोसिएट है। फिर यहाँ पे कैशियर का भी यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। फिर सेल्स काउंसलेंट का भी यहाँ पे है। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। फिर ऑर्डर एंट्री प्रोसेसर का है। फिर वेयर हाउस एसोसिएट का है। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग का है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 10 पोस्ट पर बिल्कुल 11,000 यहाँ पे वैकेंसी है। और फिर उसके बाद जॉब लोकेशन की अगर हम बात कर ले तो जॉब लोकेशन दोस्तों देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे होने वाला है जॉब लोकेशन पूरे भारत में। अब कहीं भी से भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपको पोस्टिंग करवाया जाएगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह के आपको ये जॉब को दोस्तों करना है। फिर इसके बाद सिलेक्शन अगर प्रोसेस की अगर हम बात कर लीजिए, जब इसका आवेदन लिया जाएगा तो किस तरीके से प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन होगा उसी के बेसिस पर होगा, यानी मेरिट बनाया जाएगा। देन उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन टर्म में आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फर्स्ट में यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद सैलरी की अगर हम बात कर ले तो सैलरी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग सैलरी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए रखा गया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो एज पर Realme कंपनी रूल, यानी कंपनी रूल के अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से काम वहाँ पे करेंगे उस तरीके का आपको पोस्ट पे यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है 15,000 से लेकर यहाँ पे 25,000 तक का यहाँ पे सैलरी यहाँ पे रखा गया है आप लोगों के लिए। अलग अलग पोस्ट के लिए जैसा पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि कौन कौन लोग इस जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 10th कंप्लीट किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस या आर्ट्स से अप्लाई कर सकते हैं, जो ITI किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं उसके लिए भी, जो फर्स्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद और 3 शर्तें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट होंगे उनको ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत आना चाहिए, होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेशर है एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई इन रियल में मोबाइल जॉब रिक्वायरमेंट दरवाइज, यानी जो नए स्टूडेंट होंगे या एक्सपीरियंस जो कुछ दिन पहले काम किए होंगे, दोनों छात्र जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे देख सकते हैं एज लिमिट की अगर बात कर ले, तो एज लिमिट इसमें है मिनिमम एज जो है 18 ईयर है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40-14 ईयर यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो फॉर्म है अप्लाई होने वाला है, जो स्टार्ट है अप्लाई हो रहा है अभी, और जो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं लास्ट में आपको अप्लाई भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। फिर उसके बाद एज जो है रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इसमें छूट भी दिया जा रहा है, अगर आप SC ST या OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, यहाँ पे 5 साल का। फिर OBC से है तो 3 साल का, PWD के अंतर्गत आते हैं तो 10 ईयर का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। फिर एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो यहाँ पे 0 एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड, यानी 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में जो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो है सारी प्रक्रिया आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या लगेगा तो मैं बताऊंगा। चलिए नीचे देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मांगा एजुकेशनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो आपका होगा, फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार दे सकते हैं, पैन दे सकते हैं, वोटर आईडी या पासपोर्ट दे सकते हैं, फिर फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, रिज्यूम है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे दोस्तों देख कर आपको देना होगा फॉर्म को फिल करते समय। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर पर सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर दिया हूँ। दोस्तों आपको बारीकी से समझना है कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इतना फॉर्मेट आ गया है, तो आप फॉर्मेट को सही तरीके से आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में आपसे नाम पूछा जाएगा, तो जो आपका नाम है बिल्कुल कैपिटल में यहाँ पर फिल कर देना। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर जो आपका मोबाइल नंबर है इसको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आउटसाइड इंडिया का है तो यहाँ पे टिक मारिएगा तो ऑटोमेटिक ही ये दोस्तों ले लेगा, कोडवर्ड जो हो वहाँ का नंबर डालेंगे तो। फिर उसके बाद करंट लोकेशन जो आपका जो है जहाँ से फिल कर रहे हैं उस लोकेशन को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर अगर आप इस फॉर्म को फिल करते समय कहीं पे आप कुछ दिन काम किए हैं, यानी कुछ एक्सपीरियंस है, तो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, डाल सकते हैं कितना दिन का आपका एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद एक रिज्यूम आपको चाहिए, तो यहाँ पर रिज्यूम को है वो PDF बनाकर यहाँ पे जो 3 MB से मिनिमम होना चाहिए। अब आपको जो है इस फॉर्म को जो है अटैच करना है इसमें रिज्यूम को, और उसके बाद देख सकते हैं नीचे यहाँ पे I agree to पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद सबमिट का बटन है, सबमिट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको कॉल आएगा, फिर जो है कॉल में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अपडेट है रियलमी के अंतर्गत, जितने भी स्टूडेंट अगर जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, आप अपने ज़िले में ही रह के कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये फ़ायदा पहुंच सके। और दोस्तों अभी तक हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा जाके आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए अभी से। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।